आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन की, जिन्होंने एक बार फिर से कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में धूम मचा दी है। ऐश्वर्या राय बच्चन अपने लेटेस्ट लुक के कारण फिर से चर्चा में आ गई हैं। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं और कुछ में वह रेड कार्पेट पर शिरकत करती दिखाई दे रही हैं। फैंस इन फोटोज को शेयर कर ऐश्वर्या की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। 77वें एनुअल कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर पहले दिन ऐश्वर्या राय ने अपने हुस्न का जमकर जलवा बिखेरा। उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। ऐश्वर्या ने जैसे ही रेड कार्पेट पर धांसू एंट्री मारी तो उनके लुक पर हर किसी की निगाहें थम गईं। एक हाथ में फ्रैक्चर होने के बावजूद ऐश्वर्या राय बच्चन ने रेड कार्पेट पर फुल कॉन्फिडेंट होकर सभी का दिल जीत लिया। राय ने इस बार मोनोक्रोमैटिक लुक चुना। उन्होंने ब्लैक मोनोक्रोमैटिक ड्रेस को व्हाइट श्रग के साथ पेयर किया, जिसमें गोल्डन एम्बेलिशमेंट्स भी नजर आ रहे थे। उनकी ड्रेस में पीछे की तरफ एक लंबी ट्रेल थी। ऐश्वर्या ने मेकअप मिनिमल रखा और बहुत कम एक्सेसरीज के साथ अपने लुक को कंप्लीट किया। गोल्डन कलर के बड़े लूप्स उनके लुक को और भी शानदार बना रहे थे। वही कांस के दूसरे दिन ऐश्वर्या ने रेड कार्पेट पर सिल्वर और ब्लू रंग का गाउन पहना था, जिसे फाल्गुनी और शेन पीकॉक ने डिजाइन किया था। वह इसमें बला की खूबसूरत लग रही थी और अपने चोटिल हाथ को गाउन के पीछे छिपाए हुए नजर आईं। वर्क फ्रंट की बात करें तो ऐश्वर्या राय बच्चन पिछली बार फिल्म पोनियन सेल्वन 2 में नजर आई थी, जिसमें उनकी दमदार एक्टिंग को खूब सराहा गया। अब फैंस बेसब्री से उनकी नई फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। तो यह थी ऐश्वर्या राय बच्चन के कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 की शानदार कहानी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।